समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ तहसील स्तरीय प्रदर्शन में आज सदर तहसील में जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। धरना प्रदर्शन करने वालों में पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव स्वरूप, शलभ गुप्ता, विकल्प जैन, साजिद हसन के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के द्वारा विभिन्न मांगों के समर्थन में अपना ज्ञापन दिया गया है। यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया है। इनका ज्ञापन महामहिम जी को संबोधित है, वहाँ पर भेज दिया गया। सर, कुछ मुख्य मांगे कुछ जानकारी दी होगी उन्होंने बताया कि अनेक मांगे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने ज्ञापन आप लोगों के पास सभी हुए मांगे आपके वीडियो में अंकित है। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी आज कार्यालय से पैदल चल करके प्रदर्शन करते हुए और कलेक्ट्रेट परिसर में आकर के ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि पत्रकारों के ऊपर जो मुकदमा लगाए गए, अभी मारपीट हुई, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत के चुनावों में धांधली हुई और जो है किसानों को जो MSP देने की गारंटी सरकार ने कहा था, किसानों को दुगना मूल कब मिलेगा, ऐसी तमाम तरह की मांगों को लेकर के हम लोग आज ज्ञापन देने का काम किया है। निर्वाचन आयुक्त को प्रारंभ से ही सत्ता पक्ष द्वारा पंचायत चुनाव को प्रभावित कर अपने पक्ष में करने की साजिश के बारे में लगातार सूचित करते हुए आगाह किया गया था, पर चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत के संविधान में दिए लोकतंत्र की व्यवस्था है, सर्वथा भी विपरीत है। हम आपका ध्यान लोकतंत्र की हत्या के अतिरिक्त बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों के ऊपर थोपे जा रहे काले कृषि कानून, महिलाओं से दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस लगाने और प्रशासन द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की ओर भी आकर्षित करना चाहेंगे। अतः आपसे आग्रह है कि इन गंभीर घटनाओं का संज्ञान लें। कृपया लोकतंत्र बचाने के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था हेतु आपसे यह अनुरोध है कि जहाँ जहाँ प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का नामांकन